हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हम सीखेंगे ईएमआई बनाना कि एक्सेल में ईएमआई कैसे बनाते हैं। आ जाओ यहां पे लिख देते हैं नेम ऑफ आइटम। अब यहां पे हमने लिख लिया नेम ऑफ आइटम। इस कॉलम को बड़ा कर लेते हैं ऐसे। यहां पे लिखते हैं प्राइस यानी कि रेट। यहां पे हमने लिख दिया प्राइस। उसके बाद हम लिख देते हैं मंथ। उसके बाद हम लिख देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट INT यानी कि इंटरेस्ट। यहां से भी कॉलम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद लिख देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस यानी कि विदाउट इंटरेस्ट जो अमाउंट हमें पे करना हुआ। प्रिंसिपल अमाउंट इसका भी कॉलम बड़ा कर देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं एक कॉलम बड़ा करके इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल अमाउंट। हमने लास्ट में लिख दिया इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल अमाउंट। अब आ जाते हैं यहां पे लिख देते हैं नेम ऑफ आइटम में iPhone 15। यहां पे लिख दिया हमने iPhone 15। प्राइस डाल दिया 1 लाख रुपए। उसके बाद आ जाते हैं लिखते हैं डाउन पेमेंट। हमने लिख दिया डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट 10,000 देना है। अब यहां पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर कितने सालों की ईएमआई बनानी है। नंबर ऑफ ईयर यहां पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर के लिए चाहिए ईएमआई। अब यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑफ रेट। चौदह परसेंट जितना जनरली फोन पे लगता भी है लगभग 14%। अब यहां पे लिख देते हैं ईएमआई। अब यहां पे पूरा लिखा हुआ अगर आ गया तो आप यहां पे सिलेक्ट करके कट कर दें। इन केस एक्सेल में ऐसा हो जाता है कि जो पूरा एक बार लिखे रहो वो दोबारा अगर आप लिखने की कोशिश करो स्टार्टिंग का वर्ड टाइप करो तो लास्ट का वर्ड आ जाता है। तो यहां पे हम लिखते हैं एक फॉर्मूला इक्वल टू PMT। PMT का फुल फॉर्म होता है पेमेंट मंथली ट्रांजेक्शन। क्या होता है पेमेंट मंथली ट्रांजेक्शन। ब्रैकेट ऑन करेंगे इंटरेस्ट ऑफ रेट डिवाइड 12 कॉमा नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई 12 कॉमा। अब हमने इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दिया कि जो भी एक साल का इंटरेस्ट बनेगा वो 12 महीनों में डिवाइड हो जाए और नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई 12 इसलिए कर दिया एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए तो एक को 12 से मल्टीप्लाई कर दें कि 12 महीने में डिवाइड हो जाए। उसके बाद कॉमा कर लगाएंगे टोटल प्राइस यानी कि 1 लाख रुपए माइनस 10,000 रुपए यानी कि 1 लाख रुपए का फोन था 10,000 रुपए हमने डाउन पेमेंट दे दिया। अब हमारा 90,000 की ईएमआई बने इसलिए हमने टोटल प्राइस माइनस डाउन पेमेंट किया है। एंटर कर देते हैं। अब देखिए यहां पे $8,000 बन रहा है तो डॉलर नहीं हम बात कर रहे हैं रूपीज में तो यहां से जाके डॉलर क्लिक करेंगे तो डॉलर हट गया। अगर आप चाहते हैं ब्रैकेट भी हटाना तो आप ईएमआई जो होता है वो माइनस में होता है तो यहां पे एक इक्वल टू के से पहले माइनस इक्वल टू के बाद में एक माइनस लगा दीजिए। दोबारा एंटर करेंगे तो ये प्लस में आएगा डॉलर में आ रहा है। आप यहां पे क्लिक करके डॉलर हटा सकते हैं यहां पे क्लिक करके पैसे को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो हमारा 8,000
8,081 रुपए पर मंथ की 12 ईएमआई बनेगी अगर हम 90,000 रुपए का फोन इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, जिसका ब्याज होता है 14%। अब एक महीने में, जो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं 1 अगेन 2 और इसे ड्रैग कर लेते हैं 12 महीनों तक, 12। अब हम 12 महीने की ईएमआई बनाएंगे, इसे यहां पे क्लिक कर दीजिए, बीच में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट कि कितना इंटरेस्ट, हर कोई कस्टमर यही पूछता है भैया इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा अगर मैं इंस्टॉलमेंट में लूं तो यहां पे हम निकाल लेते हैं क्या इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू IPMT, इंटरेस्ट पेमेंट मंथली ट्रांजेक्शन। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट मंथली ट्रांजेक्शन। अब यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट मंथली ट्रांजेक्शन होता है, तो हम ब्रैकेट को कर लेते हैं ऑन, ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद यहां पे हम करते हैं दोबारा से इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा फर्स्ट मंथ की हम निकाल रहे हैं, तो हम फर्स्ट मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ ईयर सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई दबाएंगे और दोबारा से 12 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, वही करेंगे टोटल प्राइस माइनस डाउन पेमेंट और एंटर कर देंगे। जो पहले महीने का इंटरेस्ट जा रहा है, यहां पे हमने बताया था आपको कि यहां क्लिक कर लें और फॉर्मूले से पहले माइनस लगा दें, यानी कि इक्वल टू से के बाद में माइनस लगा दें और उसके बाद एंटर करें, तो विदाउट ब्रैकेट आएगा और यहां पे क्लिक करें, यहां पे कॉमा पे क्लिक कर दें तो डॉलर हट जाएगा, यहां से राउंड ऑफ कर लें तो 1,050 रुपए पहले महीने का ब्याज जाएगा। अब इसे हम ऐसे ड्रैग कर सकते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरह, ये नहीं होगा, ये देखिए गलत हो गया, तो इसे डिलीट करते हैं, आगे देखते हैं, अभी वो मैं बता दूंगा कि कैसे आप ड्रैग कर सकते हैं। अब आ जाइए प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि कोई भी ब्याज ना देना पड़े तो हमारा क्या आएगा, कोई ब्याज ना देना पड़े तो हमारा क्या अमाउंट बनेगा, तो हम यहां पे लिखते हैं इक्वल टू माइनस, अभी लगा देते हैं PPMT, प्रिंसिपल पेमेंट मंथली ट्रांजेक्शन, इसका मतलब होता है, ब्रैकेट ऑन करते हैं, दोबारा से सेम फॉर्मूला जो हमने इंटरेस्ट के लिए पुट किया था वही फॉर्मूला पुट कर देंगे, बस वहां पे IPMT था इंटरेस्ट पेमेंट मंथली ट्रांजेक्शन, यहां पे हो जाएगा PPMT पेमेंट प्रिंसिपल मंथली ट्रांजेक्शन। अब यहां पे हम ब्रैकेट ऑन कर लिए हैं, दोबारा से हम इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड 12 करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पहला महीना सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम जाएंगे नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई 12, कॉमा लगाएंगे दोबारा से, एक्चुअल अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट, एंटर कर देंगे, इसे सिलेक्ट करके वही काम करना, हमें डॉलर हटा देना है और यहां पे राउंड ऑफ। अब यहां पे लिखना इक्वल टू यस यू एम सम ब्रैकेट ऑन और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। अगर इस वाले अमाउंट 8,081 रुपए यहां पे भी निकल के आता तो हमारा फॉर्मूला सही है, तो यहां पे एंटर कर दो, ये तो देखिए 8,081 रुपए निकल के आ गया। अब इसे भी हम ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग नहीं होगा, वही सिचुएशन आ रहा है, तो हम अगर इसमें ड्रैग का इस्तेमाल करते हैं या तो हम 1/1 पूरा निकालें, अगर हमें ड्रैग करना है तो हमें इसमें फ्रीज का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूले में कुछ कुछ चीजें फ्रीज करनी पड़ेंगी, यानी कि लॉक लगानी पड़ेंगी, जैसे ये B6, तो हम B6 को क्या करेंगे, B6 के बाद यहां पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में F4 बटन दबा देंगे, फिर यहां पे B5 पे क्लिक करेंगे और इसे भी फ्रीज कर देंगे F4 से, इसे भी क्या करेंगे F4 दबा के फ्रीज कर देंगे, B3 को भी फ्रीज कर देंगे, B4 को भी फ्रीज कर देंगे। इससे फ्रीज करने से क्या होता है, ड्रैग करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, देखो मंथ हर बार चेंज होना है तो उसे हमने फ्रीज नहीं किया है, तो इसलिए यहां पे देखिए C3 छूटा हुआ है, तो एंटर करते हैं और इसे ड्रैग कर लेते हैं, देखिए ट्रैक होके आ गया। अब यहां पे यही काम हम प्रिंसिपल अमाउंट में भी फ्रीज करने का करेंगे, तो B6 को F4 से फ्रीज कर देंगे, B5 को भी फ्रीज कर देंगे, B3 को भी, B4 को भी, हमें केवल एक चीज छोड़ना है, हमें जो छोड़ना है C3 छोड़ना है, एंटर कर देंगे और उसके बाद इसे ट्रैक कर देंगे।
अब ये आ गया, और इसे हम ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, इसमें सम का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ तो इसे फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया, देखिए हमारा आ गया इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या था ईएमआई का फुल फॉर्म? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे देखिए हर ईएमआई बराबर जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना था, तो इसे ऐसे सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्याज लग रहा है वो 6,970 रुपए लग रहा है, हमारा जो एक्चुअल अमाउंट लग रहा है वो लग रहा है 90,000। तो हमारा फोन पड़ रहा है, अब देखिए 90,000 और प्लस यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाइए इक्वल टू, कि हमारा टोटल फोन कितने का पड़ रहा है, तो इक्वल टू हमने 90,000 पहले दिया, 90,000 की ईएमआई बनवाई, सॉरी 90,000 की पहले ईएमआई बनवाई प्लस 10,000 रुपए हमने डाउन पेमेंट दिया, 1,00,000 रुपए हो गए प्लस 6,970 रुपए हमने ब्याज दिया, टोटल फोन की कॉस्ट इतनी पड़ी, एंटर कर दीजिए। तो 1,06,970 रुपए टोटल फोन की कॉस्ट पड़ी है। तो अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें नई वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।